दोस्तों उस दिन हम लोग ने रात में बिना बारिश के किए थे, अभी बारिश के साथ कर रहे हैं। काफी चैलेंजिंग है बट कर लेंगे, तीन लोग हैं अभी साथ में तो हो जाएगा। चलो त्रिशा हो जाएगा। क्या बोला तूने? बिना बारिश का किया, बारिश में कर रहे हैं। You're still the one for me, even though we are done. But we both know that we don't matter now. You keep coming up with excuses. तो दोस्तों काफी सारे शॉट्स हमने ले लिए हैं सीएसटी से अभी तक। तो हम लोग कहाँ तक आए? अपन कुलाबा तक आए। अभी अपन आगे जा रहे हैं, अभी अपन जा रहे हैं मरीन लाइंस। बहुत चले गए, बहुत ओवररेटेड हो गया मरीन लाइंस। अभी अपन जा रहे हैं ताज के पास। ताज के पास देखेंगे, वहाँ पे थोड़े अंग्रेज वगैरह भी दिखते हैं, तो कुछ अगर अच्छी फुटेजेस आई, कुछ फुटेजेस मिली अच्छी, कुछ फुटेजेस नहीं मिली है। मैं एक डॉग का ले रहा था, तो मैं डॉग को बोल रहा था कि स्ट्रेच कर। वो जितनी बार भी उसने स्ट्रेच किया है, ढंग की फुटेजेस आई नहीं। वो स्ट्रेच करने वाली इतनी मस्त फुटेज आती है ना, उसको स्लो करता था, उसके ऊपर ऐसा गाना लगाता था बैंड, पर वो आई नहीं। कोई नहीं, आगे ढूंढेंगे और डॉग और उनको स्ट्रेच करवाएंगे। क्योंकि मस्त बारिश भी रुक गई है, एकदम मस्त माहौल हो गया, ऐसा ही रहना चाहिए। तो फिर हम लोग को बार बार आगे पीछे नहीं करने की ज़रूरत पड़ेगी। शुभंग ने भी उसका हथियार निकाल लिया है, बारिश जा चुकी है तो स्पॉट दिख रहा है शुभंग। You know what, I don't care. No energy, no energy to spare. Yeah, you say that you want me anyway. तो अभी हम खा रहे हैं कीमा पाव, और अंकल ने हम लोग को पहले बोले कि कीमा है, तो मैं पहले शॉक में आ गया। मैं बोला भाई ये रस्ते पे कीमा कैसा बेच रहे, क्या पकड़ रहे नहीं है इनको। फिर अंकल बोलते अंडे को पीस के कीमा बना रहे। हम लोग बोले अच्छा। मैं बोला ये क्या शॉट है भाई, रस्ते में कीमा कैसे मिल रहा है। मैं शौक हो गया, बहुत ज़्यादा शौक हो गया। तो फिर अभी हम लोग खा रहे हैं, एटली बहुत भूख लगी है। मतलब तब से हम लोग आए तब से कुछ भी नहीं खाया, मैं खाना खा के भी नहीं निकला था। तो अभी कुछ खाएंगे, उसके बाद फिर इधर से सीधा ताज। अंकल के टपरी के भी बहुत सेक्सी सेक्सी शॉट्स आ गए, वो तुम लोग को इहाब्स ग्राफी पे देखने मिलेंगे। तो जाके फॉलो कर देना, बस प्यार मोहब्बत से फॉलो कर देना, वरना वो देखने नहीं मिलेगा। अच्छा आ जाओ, खिला दूंगा, आ जाओ खिला दूंगा, पैंट पकड़ के खिला दूंगा। मेरा डायलॉग तो उससे भी हार्ड है, क्या वो खिला दूंगा, दिखा दूंगा करते है। चल रे बेटा, मम्मी के साथ कौन देख, मेरा वीडियो जो भी देखेगा ना भाई, अलग अलग होके देखना। मतलब प्रवीण भाई वाला और आसम भाई वाला, अलग अलग फैमिली के साथ बैठ के देखना। तो ये वाला आ जाओ, ये अपना ही है, वो नहीं अपना, ले सकते बट। तो उसने तीन करके दिया था ना कुछ, नहीं ये ही दिया। चलना इसमें ही खा लेते हैं। चलो भाई। दोस्तों हम लोग ने अंडा पाव खाए, और अंडा पाव बहुत ही बकवास था, बट अभी कोई नहीं। यहाँ पे ताज के इधर पे भी बहुत पुलिस वाले लोग सीधा बोल रहे जाओ जाओ घर पे जाओ। तो अभी हम लोग कुलाबा में, सामने कुलाबा पुलिस स्टेशन है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मरीन्स पे, देखते हैं अगर कुछ दिखेगा तो। भी उस दिन मैंने मरीन्स पे शूट किया था, तो मेरा मन नहीं है अभी मरीन्स पे शूट करने का, बट अगर कुछ दिखा तो निकाल लेंगे शॉर्ट्स अपन, और कुछ नहीं दिखा तो फिर जा रहे तो है ना। मतलब फिर बाकी सुबह में तो शूट करना ही है, सुबह में अलग करना है। मैं यहाँ पे रात भर रुकूंगा, और सुबह में मस्त सुबह के शॉट्स लेंगे, चोर बाजार या गिरगा वगैरह जाके एकदम चुम्मा वाले। तो क्या कर रहे हैं बताए, जो भी हम लोग का आजू बाजू लोग दिख रहे हैं ना, तो हम लोग उन लोगों के सामने अरबी में बात कर रहे हैं। मतलब अरबी किसी को भी नहीं आती है। हम लोग हाउस बिले बस क्या आज यू मस्त कर रहे हो नहीं मर रहे बोले तेरा बस लगा हो स्कूल सो स्लीपिंग और सो बोला अल्हम्दुलिल्लाह हाउस बिले बस का बस। तो यहाँ पे खड़ी है पोर्च, और वो पोर्च में बैठ के रील्स देख रहे हैं। ये लेवल की अमीरी चाहिए, और ऊपर कोई तो मचा रहा है भाई। होगा बे खुला ही तो है। ये है कुलाबा का मैगनी, उसका क्या सीन है, फ्लैट है तो। हम लोग इधर स्मगलिंग करते हैं। आप बताओ आप कौन सी मूवी देख रहे हो, बारबी या ओपनहाइमर? यहाँ पे लगी है ओपनहाइमर। भाई साहब मैं तो पर्सनली ओपनहाइमर ही देखूंगा, बारबी का मेरे कोई आइडिया नहीं है। और लड़की लोग की मूवी है भाई, कौन देखेगा।
मेरे को तो नहीं दिखी, पता नहीं कभी ना कभी तो देख ही लूंगा। सो दोस्तों मरीन्स पे है एकदम सन्नाटा, वो रहा सन्नाटा मरीन्स पर। तो मरीन्स पे एकदम सन्नाटा है, जाने वहाँ पे देर ही नहीं है। तो अभी हम लोग पेशाब करने के लिए पेट्रोल पंप ढूंढ रहे हैं। भाई इतनी रात में भी इतनी ग्रीनरी, बड़ा हरामी हो। हाँ मुंबई गवर्नमेंट ने ग्रीन 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 मुंबई को गो ग्रीन, इसलिए बहुत रात में भी इतनी ग्रीनरी। तो अपन रात भर शुभम के घर पे सोए थे, अभी बारिश आ गई है एंड टाइम पे, जैसे ही मैं निकलने वाला था वैसे ही बारिश आ गई है। तो अभी अपन ये सब पहन रहे हैं ताकि बचे रहो। तो अब दोस्तों अभी हम हैं चोर बाजार के करीब करीब जेजे के इधर पे। अभी मैंने बहुत सारी फुटेजेस निकाला हूँ लोगों को पूछ पूछ के, क्या ले लूँ क्या ले लूँ क्या। और यहाँ पे भाई एकदम ऐसे रॉ शॉट्स आते हैं ना, मतलब एकदम रॉ, और जो एक्चुअल में जो स्टोरी बताना चाहते हैं जो अपन मुंबई वगैरह में देखते वो एकदम प्रॉपर चीज़ें यहाँ पर आ जाती है। और भाई मतलब जैम है यहाँ पर, जैम मतलब यहाँ पर जो मिलता है ना वो कहीं मिलता नहीं है। और देखो ये एक सामने में कोई शॉट दिख रहा है, तो भाई इधर पे तो मतलब क्रेजी क्रेजी शॉट आ जाता है। देखो मेरे को एक सामने शॉट दिख रहा है अंकल का, लेते चलो पब्लिक। अपन घुस गए चोर बाजार में, अभी यहाँ पे और ही खतरनाक, अरे बैठ गई, और ही खतरनाक खतरनाक फुटेज आने वाले हैं। वी आर इन चोर बाजार बेबी। मैंने चोर बाजार का पहले भी ब्लॉग बनाया हूँ बट वो उतना कुछ खास था नहीं, बट हाँ ये भाई बहुत क्रेजी जगह है, मतलब बहुत बार आया हूँ बट ये पहली बार प्रॉपर अच्छी वीडियो बनेगी यहाँ की, मज़ा आएगा यहाँ ग्राफी पे देखना, मज़ा आएगा भाई। ये बारिश में क्या ही शॉट आते हैं भाई, क्रेजी एकदम, बहुत ही प्यारे वाले। और 50 mm तो मतलब कमाल ही कर देता, 50 mm नहीं होता ना भाई तो इतने प्यारे शॉट्स इतनी प्यारी वीडियोस तो मैं बना ही नहीं पाता। सो अब तो रात के और अभी के मिला के काफ़ी सारे शॉट्स आ गए, साला बारिश में शूट करना मुश्किल है, खाली हाथ में मतलब ऐसा कुछ होना चाहिए था ना जिससे कैमरा वाटरप्रूफ हो जाता था, बट हाँ वो नहीं हो सकता है, तो थोड़ा सा मुश्किल है। बट मैं एक एक जगह रुक रुक के अच्छे अच्छे शॉट्स ले रहा हूँ, बट कहीं ना कहीं रुक के लेना पड़ेगा, एकदम बीच में से तो ले ही नहीं सकता। कैमरे में कहीं से भी एक बूंद भी कोपचे कापचे में से पानी चले गया ना तो पूरा शॉर्ट हो जाएगा कैमरे का, तो वही है भाई। और इधर पे तो अलग ही समुंदर बना हुआ है बहन की आँख, देखते हैं जो जुगाड़ कर करके लेना तो है भाई। मतलब यहाँ पे क्या क्या होता है क्या ही बोलूँ मैं तुम लोग को, मतलब इतनी सारी चीज़ें देखने मिलती है ना, बट जब वो रील बन के आएगा ना भाई तो चुम्मा हो जाएगा। अरे कैमरे मोबाइल के जैसे कैमरा भी वाटरप्रूफ होता है ना तो और सॉर्टेड हो जाता था, बट कोई नहीं थोड़ा सा स्ट्रगल चलता है। और मैं शुभम को बुला रहा था बट शुभम आलस कर रहा था, साला आया नहीं, शुभम भी आया होता ना तो मज़ा आया होता, बट कोई नहीं फिर बाद में फिर बारिश में वो भी कहाँ छुपता इसलिए, और उसके कैमरे का लेंस बड़ा है तो फिर वो शॉर्ट हो जाता था इसलिए। तो अब दोस्तों दैट इज़ इट फॉर द शूटिंग, अब हम जा रहे हैं घर पे क्योंकि मैं बहुत थक गया हूँ और काफ़ी सारे शॉट्स आ गए, मतलब बहुत सारे आ गए हैं, मतलब डिसेंट शॉट्स आ गए जिसका मैं एक चुम्मा वाला रील निकाल सकता हूँ। मेरे को ये ट्राईपॉड शुभम को देना है, तो मेरे को यहाँ से सैंडस रोड जाना है, अभी मैं हूँ चोर बाजार के इधर पे, यहाँ से सैंडस रोड जाऊँगा फिर वहाँ पे शुभम आएगा फिर उसको दे दूँगा और फिर मैं निकल जाऊँगा घर पे। भाई साहब वसूल तो हो गया भाई, जितनी बार भी आऊँ यहाँ पे मेरे को बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी और सब कुछ करना वसूल तो हो ही जाते हैं। चलो निकलते हैं भाई साहब, बस घर पे जाके हगना है मेरे को बहुत कड़क वाला।